नमस्कार दोस्तों। दोस्तों गोवर्धन पूजा को लोग अन्नकूट पूजा के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों दिवाली के अगले दिन जो गोवर्धन पूजा का दिन होता है उसे हम खेकरा भी कहते हैं। इस दिन गोवर्धन पर्वत यानी गोधन यानी गाय और भगवान श्री कृष्ण की पूजा का विशेष महत्व है। इसके साथ ही वरुण देव, इंद्रदेव और अग्निदेव आदि देवताओं की पूजा का विधान है। गोवर्धन पूजा में विभिन्न प्रकार के अन्न को समर्पित किया जाता है और वितरित किया जाता है। इस वजह से इस त्यौहार को अन्नकूट भी कहते हैं और गोवर्धन पूजा भी कहते हैं और खेकरा भी कहते हैं। इस दिन अनेक प्रकार के पकवान मिठाई से भगवान को भोग लगाए जाते हैं। अन्नकूट या गोवर्धन पूजा भगवान कृष्ण के अवतार के बाद द्वापर युग से प्रारंभ हुई। इसमें हिंदू धर्म घर के आंगन में गाय के गोबर से गोवर्धन जी की अल्पना बनाकर उनका पूजन करते हैं। उसके बाद गिरिराज भगवान पर्वत को प्रसन्न करने के लिए अन्नकूट का भोग लगाया जाता है। इस दिन मंदिरों में भी अन्नकूट किया जाता है। दोस्तों गोवर्धन पूजा करने के पीछे धार्मिक मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण इंद्र का अभिमान चूर करना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर उठाकर गोकुलवासियों को इंद्र से रक्षा की। माना जाता है कि इसके बाद भगवान कृष्ण ने स्वयं कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा के दिन 56 भोग बनाकर गोवर्धन पर्वत की पूजा करने का आदेश दिया था। तभी से गोवर्धन पूजा की प्रथा आज भी कायम है और हर साल गोवर्धन पूजा और अन्नकूट का त्यौहार मनाया जाता है। दोस्तों आशा करते हैं कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी। जय सियाराम, वंदे मातरम।